वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था, जो आपके लिए मैं कल रात में लेकर आया था, अप्रेंटिसशिप एमपीपी जीसीएल डिपार्टमेंट की, तो उसकी फॉर्म की वीडियो आपको आज प्रोवाइड करूंगा। भाई देखो, इसकी जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका फॉर्म फिल करना है। लिंक भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये जो फॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, तो जो बच्चे ये फॉर्म की वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं डिटेल्स वाली वीडियो ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं, तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे आपको लगा के दे रखा है। यहां से जाके आप जो डिटेल वाली वीडियो देख लें और फिर फॉर्म की वीडियो देख लें। और जिन बच्चों ने वो डिटेल्स वाली वीडियो कल देख ली है, तो वो जो है डायरेक्टली फॉर्म की वीडियो देख रहे होंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आप जो है इजिली फॉर्म को फिल कर पाएं। इसका फॉर्म अगर आपने ITI SCVT से किया तो भी भर सकते हैं, अगर आपने NCVT से किया तो भी भर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, ये फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर उस वीडियो से आपको नहीं समझ आता तो मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अब बात करते हैं इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे एक लिंक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट सर्च का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आपको किस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है वो आप ध्यान से समझें, क्योंकि इसी तरीके से आपका फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले तो आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दो, इस पर आओ रीजन पे। रीजन पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा RDAT मध्य प्रदेश का, आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करोगे सबसे पहले। उसके बाद आप स्टेट वाले ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो डिस्ट्रिक्ट पे आओगे, आपको यहाँ पर बैतूल, ये जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा ये वाला देखो, बैतूल BETUL, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आप सेक्टर में आएंगे, सेक्टर में आपको इलेक्ट्रिकल इंक्लूडिंग न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी करके कुछ लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करते ही आपको इस सर्च बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हल्का सा जो है आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो है सारी की सारी डिटेल्स ग्रीन कलर से जो लिखी हुई ये आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये तीसरे लिंक पे क्लिक करेंगे अपने ही रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। लो भाई, आपका फॉर्म ओपन हो गया है। दोस्तों, आप समझते हैं कि फॉर्म ओपन होने में जो है इजीनेस मिल जाते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट सर्च पे जाके फॉर्म को ढूंढना। तो आई होप कि आप मेरी बातों को आप जो है समझे होंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने में, तो इसके लिए एक बार आपसे सॉरी बोलूंगा। तो जैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, हल्का सा आप नीचे स्क्रॉल करना, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, आपका जो है मैकेनिकल, डोट्समैन, सिविल, और आप सेकंड वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो और जो ट्रेड्स है जो अवेलेबल है अप्रेंटिसशिप के लिए वो आपको दिख जाएगी, आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो है आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपकी ट्रेड है चाहे वो SCVT से हो चाहे वो NCVT से हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना अप्रेंटिसशिप जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आप नंबर डालेंगे, अपनी DOB डालेंगे, अपनी email ID डालेंगे। दोस्तों, आप अभी अभी देखा मैंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑफर मिला है, लेकिन उनको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनको इस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाके भी वैकेंसीज को ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप अपने आप ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो बीच बीच में आपकी मदद करता रहता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर आप डिटेल्स फिल कर दोगे, बस कुछ नहीं करना, अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों पर यहाँ पर जो है ईमेल नहीं आएगा इस कंफर्मेशन का, तो उसकी चिंता मत करें, बस ये डिटेल्स आप जब फिल कर लोगे ना, फिल करने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बस ये काम आपको करना पड़ेगा। सो आई होप कि डिटेल्स मैंने जो आपको प्रॉपरली समझा दी होगी। अगर जिन बच्चों को ये नहीं पता कि वो इसका फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, आई बटन पे जो आई बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करें, एक वीडियो जो है आपके सामने आएगी, ये देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। और बात करूँ रेलवे की, जो वेस्टर्न रेलवे है और साउथ वेस्टर्न रेलवे है, उसकी फॉर्म की चिंता मत करें, सैटरडे को आपको फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। सो अंत में यही बोलूँगा हमेशा की तरह, प्लीज़
मेरा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में आईटीआई करना चाहते, क्योंकि जून जुलाई आने वाला है और जून जुलाई में मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे किसी भी तरीके से गलत ट्रेड को चूज कर लें। सो आई होप कि मेरी बातों को आप समझे होंगे। अंत में एक और चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, अगर आपको हमारे चैनल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल के नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। बस धन्यवाद।